मुझे भी फजूल की बहस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग मुझ पे तंज के तीर बरसाएंगे तो मैं भी कोई जवाब तो दूंगी ना। पागल थोड़ी हूं जैसे ही बस लड़ूंगी बहस करूंगी। आपकी तबीयत कुछ बेहतर है? जी अब तो मैं ठीक हूँ अल्लाह के फजल से। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह खैर। आओ शिरी। सेब लाई हो खाने आपने? तुम काटो हम खाएंगे। मुझे लग रहा है कि इन दोनों का फिर कहीं बाहर जाने का प्लान है। देखा नहीं यासिर कैसे ही दफ्तर से आके सीधा कमरे में चला गया और बहू रानी तो दोपहर का खाना खाकर जो कमरे में गई बाहर निकलने का नाम तक नहीं लिया। मैं क्या कहूँ, मैं तो थक गई हूँ समझा समझा कर। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुई हो। जा रहे हो कहीं पे? आपको क्या मसला है मेरी तैयारी से? अरे 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 कौन फिरता है इस तरह से, किसको सुना रही हो? किसी को नहीं। अगर तुम सारा दिन कमरे में बंद थी तो बाहर निकल के घर के कामों में मेरी मदद ही कर देती। ठीक कह रही है तुम्हारी सास, अकेली सारे दिन लगी रहती है किचन में, इनका हाथ ही बटा दिया करो। यही उम्र होती है बुजुर्गों से सीखने की। मुझे ना कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं अंकल, मेरी अम्मी ने मुझे सब सिखा कर भेजा। लेकिन बुजुर्गों से बात करनी नहीं सिखाई तुम्हारी अम्मी ने लगता है। रहने दें सरमद साहब, कोई फायदा नहीं इसको समझाने का। मैं यासिर से कहूंगी कि अपनी बीवी को अच्छी तरह समझाए किस तरह बात की जाती है। अगर नहीं समझती है तो इससे बेहतर है चुप ही रहे। तो मुझे भी फजूल की बहस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग मुझ पे तंज के तीर बरसाएंगे तो मैं भी कोई जवाब तो दूंगी ना। पागल थोड़ी हूं जैसे ही बस लड़ूंगी बहस करूंगी। पता नहीं आप लोगों को मुझसे मसला क्या है। देखा आपने कैसे कैची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। भाभी जान भाई जान, अरे तेवर देखें इसके कैसे मुंह भर भर के आप दोनों को बातें सुना कर गए। अरे इस बात का भी लिहाज ना किया कि आप यासिर के माँ बाप हैं। अच्छा तुम जो काम कर रही हो वो करती रहो बस। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है?